और दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश की विरासत नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। ये प्रदर्शन 30 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश स्थित कई जिलों का पुरातन इतिहास फोटो प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध अचार पापड़ मिठाई वस्त्र और हस्तशिल्प के कई उत्पादों को भी प्रदर्शनी में रखा गया है। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई राज्यों से प्रतिनिधि आकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की कई नामी गिरामी कंपनियों के स्टॉल भी यहां आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उत्सव का शुभारंभ हुआ है। 4 दिन तक मध्य प्रदेश की सभी की अंदर की खासकर पर्यटन की फूड फेस्टिवल के माध्यम से विभिन्न प्रकार व्यंजन की हस्तशिल्प कला की इतिहास की संस्कृति की सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए 4 दिन का जो उत्सव किया है, मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सरकार के इस प्रयास से हमारी अंदर की संस्कृति का परिचय भी होता है और कुल मिलाकर के मध्यप्रदेश बहुत अंदर से अपनी समृद्धि लिए हुए सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, अलग अलग अंचल की रहवास की दृष्टि से बहुत अद्भुत और आनंददायी प्रदेश है। ऐसे में देश के लोग जाने, इसलिए देश की राजधानी के अंदर इस उत्सव का आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई, खासकर आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने काम किया है, पुराने ऐसे मंदिर या देवस्थान जो नष्ट भ्रष्ट हो गए उनको पुनर्स्थापित करके वापस साकार साकार में लाना, ये चुनौतियों का काम भी है, लेकिन ये हमारी उस पुरानी गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने का महत्व है। एक तरफ गोंड चित्रकारी से लगा करके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को